देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर जिथे की तैयारियां पूरे जोरों शोरों चल रही ने उत्थे पुलिस प्रशासन वालों भी इस दिहाड़े को लेकर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। इसके चलदे ही फिलौर पुलिस वालों भी नवांशहर बस स्टैंड विखे आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग की गई, जबकि रेलवे स्टेशन विखे भी यात्रियों के समान की चैकिंग की गई। इस मौके SHO फिलौर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि फिलौर पुलिस वालों इस दिहाड़े को लेकर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने आम लोगों को भी अपील की कि अगर उन्होंने आले दुआले कोई लवारिस चीज़ या शक्की व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत ही फिलौर पुलिस को सूचित करन, शरारती अंसर इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश न करन। उन्होंने इलाका वासियों पासों पुलिस नाल सहयोग करने की भी अपील की। इस तो इलावा उन्होंने फिलौर इलाके के समूह दुकानदारों को अपील की कि वह चाइना डोर की विक्री बिल्कुल भी ना करन। अगर इस सब के बावजूद भी कोई दुकानदार चाइना डोर की विक्री करता काबू आ गया तो उस खिलाफ धारा 307 तहत मामला दर्ज किया जाएगा। हाँ जी, 26 जनवरी के संबंध में अपने स्टेट लैवल से ये ऑपरेशन ईगल 2 चलाया जा रहा है। इस विच रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अपने नाके ते होर जिन्हें अपने होटल्स ने, सरावान ने, मैरिज पैलेस ने, या होर भी वर्नेबल पॉइंट से जिहड़ियां हाइड आउट हो सकते हैं, सारे तकरीबन चेक कर किए जा रहे हैं। इस तरीके जारी रहेंगे तो इस चीज़ का भी एक अपने रिपब्लिक डे ऑन करके तो ये साड़ी जिहड़ी है चैकिंग की मुहिम है लगातार जारी रहेगी। 26 जनवरी लैके फलौर पुलिस वालों किस तरह के प्रबंध है? हाँ जी, लगातार काफ़ी दिन लगातार ही नाके चल रहे हैं। परसों भी नाके लगाए थे, कल भी नाके लगाए थे, चलान भी किए जा रहे हैं। टू व्हीलरस से ज़्यादा शिकंजा कसया जा रहा, बसा चेक की जा रही, ट्रेन चेक की जा रही। मतलब अपील यही करा, एक तो जिस तरह चाइना डोर का अजकल इशू चल रहा है, यह जी इनफोरमेसन हैगी साझी कर, अपने बच्चों जागृत कर, दुकानदारा ने भी बेनती है तो चेतावनी भी है कि ये काम ना कर, अदरवाइज़ जिहड़ा खन्ने दे विच जिहड़ा परचा दिता गया उसी तरीके दा परचा दिता जाएगा।